अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और यहाँ आप देख रहे हैं मिनी टोमेटो एंड मिनी पोटैटो, जो मैंने के अपने ब्लॉग में भी दिखा चुकी हूँ कि मैं कब लाई थी कब नहीं, ये भी मुझे याद नहीं है कौन से ब्लॉग में है, लास्ट वाले या उससे पहले वाले। तो खैर, आप जो ये आवाज़ें सुन रहे हैं इग्नोर कीजिएगा, ये मोहल्ले की आवाज़ें हैं हमारी, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो मोहल्ले वाले आवाज़ें निकालना शुरू हो जाते हैं। शायद उन्हें पता होता है कि मैं अब करने जा रही हूँ ब्लॉगिंग, खैर यहाँ कोई रेसिपी बनाने जा रही हूँ। पहले हम स्टार्ट करते हैं। आज मैंने सोचा कि मैं एक नई सी ना आलू के साथ कोई डिश बनाऊँ, तो मैंने इनको कर लिया बॉईल। सिर्फ एक पानी दो, यानी एक उबाल से जो है ना ये फौरन ही गल गए। ये देखें, दिखाऊँ, ये देखें कितने गल गए, सारे ही गल गए बहुत। और आजकल के आलू बहुत जल्दी गल रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ कर लिया है ऑयल गरम। यहाँ बर्तन मैंने धो के रखे हैं, मैं इनको हटा दूँ। तो यहाँ मैंने ऑयल गरम करने रखा था, अभी गैस है नहीं, तो खैर अभी दोबारा चूल्हा चलेगा तो हल्की गैस आएगी, इसमें पकेगा ये हल्की आँच पे ना। मैंने ऑयल ले लिया हाफ कप, ठीक है। उसके अंदर मैं डालूंगी ये कुटी हुई वो साबुत मिर्चें लाल, मैंने ले ली हैं 7-8 ले ली हैं। ये उसी का चूरा मैंने हाथ से चूरा कर लिया, ठीक है। हाफ टेबल स्पून जीरा और 2-3 चुटकी मैंने अजवाइन ले ली, ये ली अजवाइन, और 2-3 चुटकियाँ मैंने ले ली ये कलौंजी, ठीक है। ये तो गलती से आ गया लग रहा है उसके साथ। बाकी ये सूखी चीज़ें ये मैं ऑयल में अभी सबसे पहले डाल दूंगी आलू के साथ। मैं वह आपको दिखाऊंगी वीडियो। उसके साथ मैंने ये मसाले लिए हैं, पिसी हुई लाल मिर्च बिल्कुल हाफ टी स्पून लिए, क्योंकि मैं इसमें ये भी ऐड कर रही हूँ। अगर आप लोग मिर्चें तेज़ खाते हैं तो आप लोग ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तेज़ नहीं खाई जाती, ठीक है। हल्दी मैंने हाफ टी स्पून, नमक हाफ टी स्पून और धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून और दखनी मिर्च लाल वाली मैंने 3-4 चुटकी लिए। और बहुत सारे टमाटर मैंने ले लिए, मैंने समझे 12-13-14-15 इस तरह ले लिए, कि अच्छे से इन दोनों को इसमें भूनने दें। चले हम तैयारी करते हैं फिर पकाने की। और उससे पहले पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो हम चलते हैं फिर तैयारी की तरफ। तो व्यूअर्स, मैंने यहाँ ले लिया है ऑयल, आपको बता दिया था कितना था। अब मैंने सारे सूखे मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं। सूखे मसाले से मुराद ज़ीरा, कुटी वो साबुत लाल मिर्च, अजवाइन और कलौंजी। और अगर इसमें कड़ी पत्ता होता तो और ही दुबाला हो जाता इसका मज़ा। तो मेरे पास कड़ी पत्ता नहीं था, लेकिन आप लोग ज़रूर ऐड करेगा अगर आप लोग के पास है, नहीं है तो कोई बात नहीं। और अब मैं इसमें टमाटर काट के नहीं डालूंगी, इसमें ये साबुत मिनी टमाटर डाल दूंगी और इसको इतना भूनूंगी कि ये थोड़े से नरम हो जाए, यानी कि सॉफ्ट हो जाए, इसका छिलका थोड़ा सा उतरने लग जाए। फिर मैं इसको रखूंगी आगे ढक कर। लेकिन उससे पहले ये टमाटर डालने के बाद जब मैं इसको भूनूंगी अभी, तो ये देखें मैं जब भून रही हूँ तो इसकी इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है, क्योंकि लाल मिर्च ये जो साबुत वाली, वैसे तो ये फटने का डर रहता है, इसमें से आवाज़ें आ रही थी फट फट के मुंह पे ही ना आ जाए, तो इसलिए मैं इसको ज़रूर ढकूंगी वरना ये फटके हमारे मुंह पे आएंगी। ये देखें, तो मैं इसको ढक के 2 से 3 मिनट के लिए रखूंगी ताकि सॉफ्ट हो जाए हर चीज़। और ये देखें थोड़ा सा पानी छोड़ दिया है टमाटर ने, बहुत ही इतनी खूबसूरत और इतनी मज़े की खुशबू आ रही है कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती, क्योंकि टमाटर और ये जो लाल मिर्चों का आपस में इनका कोई रिलेशन हो, वो बहुत ही मज़ेदार हो रहा है। तो अब इसके बाद मैं इसमें सारे मसाले ऐड कर दूंगी। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने आलू क्यों ऐड नहीं करे। अगर मैं पहले आलू ऐड कर देती और टमाटर बाद में ऐड करती ना, तो इससे क्या होता, सारे आलू जो है ना मेरे टूट जाते, और मैं नहीं चाह रही थी कि मेरी इस नई सी डिश का ना आलू यानी ख़राब हो शेप इसका। तो मैं चाह रही हूँ ये साबुत आलू रहें, तो बहुत अच्छी सी डिश, मज़ेदार सी बनने वाली है। बच्चे भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों का तो फेवरेट है ये आलू, हम बड़ों का भी है लेकिन बच्चों का तो ख़ास है, यानी कि उनके एक एक बाइट में एक आलू जाएगा। और आज बड़ी खुश होने वाले मेरे बच्चे तो, क्योंकि उन वो आलू उन लोगों की जान है। तो मेरी वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लग रही तो जल्दी से लाइक कर दें, अच्छा सा कमेंट कर दें और मुझे दुआएं कर दे दें। और आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करें, ये मुझे सिर्फ
10 मिनट्स लगे ये तैयार करने में, तो अचानक मैं रुक गई थी बीच में क्योंकि यहाँ हो रही थी ईशा की अजान, तो उसका एहतराम करना ज़रूरी है अजान का, कि अजान हमें वापस उसी तरह जाहिर सी बात हर जवाब देना पड़ता है अजान का, इसीलिए मैं बीच में रुक गई थी। तो खैर अब मैंने यहाँ ले लिया हरा धनिया, इसको बारीक बारीक काट दिया क्योंकि वो मैं दिखा नहीं सकी, अजान हो रही थी तो मैंने रोक दिया था वीडियो को और अपनी वॉइस को, इसलिए यहाँ मैंने बारीक बारीक से हरा धनिया काट दिया ताकि मुँह में भी ना अच्छा सा टेस्ट इसमें दोबाला हो जाए। तो ये मिनी टोमेटो एंड पोटैटो फ्राई मसाला जो यमी सा बन रहा है, और अगर आप लोग इसमें मैंने नहीं ऐड करा, अगर एंड में कस्तूरी मेथी यानी कि वो जो सूखी मेथी होती है वो ऐड कर देंगे तो और मज़ा बहुत अच्छा हो जाएगा। और घर में तो ऐसी डिशें बहुत ही अच्छी लगती हैं पराठे के साथ, रोटी के साथ या तंदूर की रोटी के साथ, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करेगा मेरे कहने पे। तो मैं ये कह रही थी कि ये 10 मिनट में हो गई क्योंकि मुझे 2 से 3 मिनट लगे आलू बॉयल करने में, उसके बाद जो है फिर बॉयल होने के बाद मैंने इनको छीला और ये बस देखने आप लोग के सामने है फौरन आप लोग के सामने ये डिश। तो मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।